Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary is Wraith. It was a request by the Savvy Legend, and Savvy Legend, here's your lesson. Wraith is a noun and it has two meanings. The first meaning, a spirit ghost of a dead person. किसी मरे हुए इंसान की जो स्पिरिट होती है, जो उसका जो भूत होता है, घोस्ट होता है, उसको रेथ बोलते हैं. आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा ना, वो दिखाते हैं अगर उन्होंने कोई भूत सा दिखाना हो तो वो पेल सी शक्ल बनाई होती है, उसको मतलब वाइट सा किया होता है बहुत, और वो फ्लोटिंग से एक इमेज होता है. ठीक है, उस फ्लोटिंग से इमेज को जो है वो रेत कहा जाता है, जो घोस्ट होता है, भूत होता है. ठीक है, इसी तरह से जो इसका सेकेंड मीनिंग है, समथिंग थिन वीक और घोस्ट लाइक. किसी और चीज को भी आप रेत कह सकते हैं, जो चीज बड़ी पतली सी हो, बड़ी कमजोर सी हो, या जो बहुत पेल हो. ठीक है, कोई इंसान अगर बहुत कमजोर है, बहुत पतला है, बहुत पेल जैसा है, तो उसको भी आप कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग लाइक अ रेत, कि तुम एक घोस्ट की तरह दिख रहे. ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि कोई इंसान खुदा ना खास्ता किसी बीमारी की वजह से वो इतना वीक हो जाए और इतना पतला हो जाए और उसकी स्किन एक किस्म की पेल हो जाए, पीली हो जाए बिल्कुल. ठीक है, तो उस इंसान को कह सकते हैं कि वो इंसान जो है वो बीमारी की वजह से रेत बन गया है, मतलब कि बीमारी की वजह से बिल्कुल एक घोस्ट की तरह बन गया है. ठीक है, एक भूत की तरह बन गया है जिसमें कोई जान नहीं रही है, हड्डियों का ढांचा बन गया है. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये जो होते हैं मॉइस्चर्स होता है, या जो जैसे धुआं होता है, स्मोक होती है. आप देखिए, जब स्मोक उठती है या किसी भी चीज से जो है वो एवेपोरेट पानी होकर जब उसका मॉइस्चर अभाव से उठता है, तो वो एक बड़ी फ्लोटिंग से इमेजेस बन रहे होते हैं. ठीक है, तो उसको भी आप रेत कह सकते हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा फ्लोटिंग सा इमेज हो जिसमें कि कोई एक स्पेसिफिक जिसकी शेप ना बन रही हो, तो इनको भी रेत कहा जा सकता है, जो धुएं से बनती हो या मॉइस्चर से बनती हो, कोई शेप्स बन रही हो. ठीक है, इसको भी जो है ना वो रेत कहा जाता है. और इसी तरह से जैसे जो सुपर मॉडल्स होती हैं, जो बहुत ही पतली सी होती हैं, तो उनको भी अच्छा यहाँ पर रेत जो है थोड़ा कॉम्प्लीमेंट देने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, कि सुपर मॉडल्स जो बहुत पतली सी होती हैं उनको भी रेत कहा जाता है, कि दे आर लाइक रेत, कि वो बिल्कुल एक वो भूत की तरह ही समझ, लेकिन अब भूत जो है वो एक नेगेटिव कनोटेशन है, लेकिन उनके लिए जो रेत वर्ड है वो अक्सर जो वो तारीफ के लिए होता है, कि वो इतनी पतली सी है, बिल्कुल रेत की तरह है. ठीक है, तो वैसे रेत का जो एक मेजर जो उसका मेन मीनिंग है वो है घोस्ट, भूत. ठीक है, जो मूवीज में भी दिखाया जाता है अक्सर, आप कोई मतलब ड्राउनी हॉरर मूवीज देख रहे होंगे तो उसमें जो भूत दिखाते हैं उसको रेत कहते हैं. ठीक है, लेकिन रेत की तरह का दिखने वाली जो चीजें हैं उनको भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको कहा, कोई इंसान खुदा न खास्ता बीमारी की वजह से इतना कमजोर हो जाए, उसको रेत कह सकते हैं. धुएं से बनने वाली जो शेप्स होती हैं या मॉइस्चर से बनने वाली जो शेप्स होती है, उनको रेत कहा जाता है. ठीक है, सुपर मॉडल्स के लिए भी ये वर्ड यूज होता है. ठीक है, तो आई होप कि आपको रेत का मतलब समझ में आ गया. ऐसे सम एग्जाम्पल्स. Our first example is, my brother claims that he saw the wraith of our grandfather on the terrace. कि मेरा जो भाई है वो ये क्लेम कर रहा है कि उसने टेरेस के द्वारा हमारे जो ग्रैंडफादर जिनकी डेथ हो चुकी है उनका भूत देखा है उसने टेरेस में. ठीक है, अ सेकेंड एग्जाम्पल इज, कैंसर रिड्यूस आर मदर टू अ रेथ. कि कैंसर की वजह से जो उसकी मदर है वो इतनी मतलब रिड्यूस हो गई है कि वो बिल्कुल एक रेत की तरह बन गई है, वो एक घोस्ट की तरह बन गई है. ठीक है, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा रह गई है, बहुत कमजोर और बहुत पेल हो गई है वो. ठीक है, अ थर्ड एग्जाम्पल इज, समटाइम्स क्लाउड्स मेक रेत लाइक शेप्स इन द स्काई. कि आप कभी कभी देखिएगा, जब क्लाउड्स होते हैं, जब बहुत मौसम साफ होता है और अगर आप क्लाउड्स देखें, तो वो क्लाउड्स अक्सर वो शेप्स ही बनाते हैं स्काई के ऊपर, तो वो रेत लाइक शेप्स है जिनकी कोई एक वो कहते हैं ना कि बड़े फ्लोटिंग से इमेजेस जो होते हैं. ठीक है, तो आप देखिएगा कि आसमान पे क्लाउड्स की वजह से वो रेत लाइक शेप्स बनती हैं. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, द लेसन हैज कम टू द एंड. आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू. इफ यू लाइक दिस लेसन, कैन यू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट लेसन. अल्लाह हाफिज़.